और नए व्लॉग के साथ। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा हाउ टू डू मोटो व्लॉग। मोटो व्लॉग करते कैसे हैं, मोटो व्लॉग सेटअप के ऊपर मैंने वीडियो बना ली, क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी। नहीं देखी होगी तो भाई चैनल में लिंक है। मैंने अपने सेटअप के ऊपर भी बना रखी है कि मैं कैसे यूज़ करता हूँ, मेरे पास कौन सा माइक है, कौन सा मैं GoPro से यूज़ करता हूँ। तो आज पर्टिकुलर बताएंगे कि ना आप मोटो व्लॉग कर कैसे सकते हो, इट मीन्स कि क्या बोलना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे लाइक मैं अभी ट्रैफिक में रुक गया ना, आप लोगों को अगर आपके सामने ट्रैफिक रुका हुआ है और आपकी गाड़ी नहीं चल रही है तो आपको बोलना नहीं है। उससे क्या होगा ना, लोगों का इंटरेक्शन थोड़ा सा कम होता है। अम्मा कैश नहीं है, उससे क्या होता है लोगों का इंटरेक्शन ना थोड़ा सा कम होता है। आपको जो व्लॉग करना है वो चलते चलते ही करना है मेरे भाइयों। जैसे मैं भी रुक गया हूँ थोड़ी देर के लिए, चुप हो गया। ऐसे भी नहीं कि आप ऐसे चलते चलते कर रहे हो, सामने रोड दिखना चाहिए, गाड़ी आपकी प्रॉपर चलनी चाहिए अच्छी खासी स्पीड में, मतलब कम से कम 20 से 30 40 की स्पीड तो होनी ही चाहिए। उससे क्या होगा लोगों का इंटरेक्शन भी बढ़ेगा और वीडियो भी चलती रहेगी ना, तो लोगों को मज़ा आएगा। ऐसे खड़े खड़े आप लोगों को भी मज़ा नहीं आ रहा होगा अभी जो मैं बोल रहा हूँ, पर ये सारी काम की चीज़ें इसलिए बतानी ज़रूरी है। 4 सेकेंड हो गए, सेल्फ मारा, चलो ये निकला भाई अपना नित्तू आगे, थोड़ा सा आगे निकल जाता हूँ। पटाखे मार रही है रे, पटाखे। तो खाली रोड मिले ना तब आपको मोटो व्लॉग करना है। और जो आपके मन में हो, या कोई सी भी आप बाइक का राइड रिव्यू कर रहे हो, या फर्स्ट इंप्रेशन कर रहे हो, या कुछ भी जो भी जिस टाइप का आप व्लॉग बना रहे हो, मोटो व्लॉग कर रहे हो, मोटो व्लॉग शूट कर रहे हो, तो आपको ना अगर आपके सामने लाइक कोई आपके ना जो एंगल है उसको कवर कर रहा है, लाइक जैसे कार पूरी तरीके से रुक गई और मैं भी इसके पीछे रुका हूँ, तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं बोलना है। उसके बाद आप साइड निकालें और ऐसे चलते रहें, ये होता है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मोटो व्लॉगिंग ईजी क्यों है और हार्ड क्यों है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे ईजीएस्ट व्लॉग मुझे को मोटो व्लॉग लगता है और सबसे हार्ड भी लगता है। वो क्यों ईजी इसलिए लगता है कि जो लोग थोड़े से कैमरा शाय है ना, आप लोगों को मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा आगे चलते चलते बोलता हूँ, ये चीज़ फैक्ट होती है। तो जो लोग थोड़े से कैमरा से आए ना उनके लिए इजी हो जाएगा, जैसे मैं अभी आराम से बात कर रहा हूँ, आराम से आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए इजी हो जा रही है। स्टार्टिंग में हर कोई भाई देखो शायर रहता है, कैमरे से हर किसी को डर लगता है, सब लोग बोलते हैं मैं इतना फ़नी हूँ, मैं इतना कॉमेडियन हूँ, मैं इतना इमोशनल हूँ, पर कैमरा खुलते हैं ना कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग घबरा जाते हैं। तो वो चीज़ आपको मोटो व्लॉग में तो नहीं होने वाली है, क्योंकि आप कैमरे के पीछे बात करते हो, कैमरे के आगे नहीं करते। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ गलत बोल दिया या गड़बड़ कर दी है या कुछ भी जो भी ऐसी सारी चीज़ है, तो नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ में कि हाँ यार ये गलत बोल दिया, अब शुरू से व्लॉग स्टार्ट करता हूँ, ये सारी चीज़ें नहीं। आपको व्लॉग कंटिन्यू रखना है, उस चीज़ को अवॉइड कर दो। अब दोबारा से जो आपको बोलना था वो आप बोलना स्टार्ट करो। वो क्या होगा, वो तो कट जाएगा यार एडिटिंग में। अब एक सबसे मुद्दे वाली चीज़ जो हर कोई गलती करता है, जो बिगनर्स होते हैं ना वो ये गलती ज़्यादा करते हैं, जो कि मैंने भी बहुत करी है, अब मैं सुधर गया हूँ। वो गलती क्या है ना, हम क्या करते हैं, मोटो व्लॉग कर रहे हैं, जितना बोलना था बोल दिया, फिर हमने कैमरा बंद कर दिया, फिर थोड़ी दूर आगे गए, उसके बाद हमने फिर कैमरा चालू कर दिया। ऐसा नहीं करना, ऐसे करने से ना बार बार एक तो अनोइंग भी लगता है और थोड़ा अजीब भी हो जाता है, हम चीज़ें भी भूल जाते हैं। अगर आपका अभी कैमरा ऑन है आप बंद मत करो, भले 3 मिनट 4 मिनट फालतू हो जाएं, क्या करोगे GoPro की स्टोरेज बचा के या मोबाइल की स्टोरेज बचा के, वो तो बाद में अपने डिलीट कर ही देना है एडिट करने के बाद। तो कैमरा हमेशा एक ही क्लिप में बनाओ, जितनी भी वीडियो बन रही है, मेरी ये भी जो क्लिप बन रही है ना इसमें कट देखो बहुत सारे लगे होंगे, पर ये जो वीडियो है ना, पर ये जो वीडियो है ये बनी एक ही क्लिप में है, तो इससे मेरे को ये फ़ायदा हो जाता है, क्लिप ढूंढने में आसानी हो जाती है और आगे पीछे क्लिप करने का झंझट नहीं रहता। ये तो रही आपकी एक मोटो व्लॉग की बात। अब आपको बोलना क्या है, वो कैसे बोलना है वो मैं बताता हूँ।
सबसे पहले ना आपको अपना एंगल सेट करना है, ठीक है। आपके पास कोई सा भी एसजे कैम्प है, आपके पास कोई सा भी एक्शन कैमरा है, आपके पास गोप्रो है, आपके पास इंस्टा 360 है, या इवन आपके पास कुछ भी है, आपको क्या करना है ना, सबसे पहले उसका एंगल सेट करना है। एंगल सेट कैसे करना है, आपका आधा टैंक दिखे और बाकी सामने का पूरा व्यू दिखे। ये नहीं कि ऐसे एंगल नीचे एंगल शूट करके आप वीडियो बना रहे हो, खाली टैंक टैंक दिख रहा है, हैंडल हैंडल दिख रहा है, सामने का कुछ व्यू दिख ही नहीं पा रहा ना, लोगों के रिएक्शन कैप्चर हो पा रहे हैं। तो सिचुएशन में एंगल को आप इस तरीके से सेट करो कि हाँ आपका आधा टैंक दिखे और बाकी सारा सामने का आपका पॉइंट ऑफ व्यू दिखे, ऐसा लगे कि आप आई की मतलब आई पॉइंट ऑफ व्यू रहे आपका। अगर कोई आपका व्लॉग देखे तो उसको देखने में ऐसा लगे कि आप ऐसे वो खुद बंदा बैठ के चला रहा है बाइक, लाइक आप यूं यूं भी कर रहे हो तो ऊपर से पूरा नज़रिया जो है ना वो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक सबसे मुद्दे वाली चीज़ बताऊँगा मैं भी, बस थोड़ा सा रोड खाली आ जाए, क्योंकि ये देखो सामने का मेरा जो वो है ना व्यू वो हाइड हो गया। एक चीज़ और, लोग क्या करते हैं ना, कुछ गलती हो जाती है ना तो मतलब एकदम से होपलेस हो जाते हैं कि भाई अबे यार मैंने क्या गलत बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना था, ये वो सारी चीज़ें। यार रेड लाइट हो गई, आगे बोलूँगा। नितू डॉन मोटो व्लॉग नहीं कर रहा तू आज? मोटो व्लॉग नितू राइड एंजॉय करता, नितू मोटो व्लॉग नहीं करता, नितू करता रिव्यू और ओनरशिप रिव्यू। 5 4 सेल्फ मारा, चलो। और एक चीज़ का भाई आप लोग हमेशा ध्यान रखना, अगर आप कोई सस्ता गोप्रो या कोई सस्ता क्या नाम है कह सकते हो एक्शन कैमरा यूज़ कर रहे हो, हाय हाय फोटो कहाँ आ गया तू, करना छोड़ दिया मसूरी में, बहुत लीन कर ली। अब देखो सन इधर से आ रहा है ना, तो आपको सन की साइड में ही व्लॉग करना है। अगर आपके पास कोई सस्ता वो है मतलब गोप्रो है या कोई आपके पास चीपेस्ट आपके पास जो एक्शन कैमरा है वो है, उससे क्या होता है ना, लाइक अगर मैं इधर की तरफ करके व्लॉग करूँगा ना पीछे की तरफ जहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है, तो वहाँ पर क्या होगा क्लियरिटी ना इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। और अभी मैं जो शाम का बना रहा हूँ ये तो रहेगा ही रहेगा बढ़िया, क्योंकि पीछे से रोशनी आ रही है ना। आप लोग करते हो ना वो मैंने कर रखी है, और जो मैंने बताई है ना मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई। नित्तू मेरा भाई कहाँ गया? एक तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब सबसे मुद्दे की चीज ना कि हम भाई कंटेंट कहाँ से लाएं, कंटेंट कहाँ से लाएं, हमने जो बनाना था जो बोलना था वो सारा बोल दिया, एडिट करके बोल दिया, ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया। भाई देखो कंटेंट ऐसा है, जब तक आप घर पे बैठ के फ़ोन चलाओगे और सोचते रहोगे ना तब तक आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। 2-3 दिन से मेरे पास कंटेंट नहीं थे, है ना। मैंने क्या करा, मैं आज घर से बाहर निकला, मेरा मन नहीं था ये सारी चीज़ें बताने का, या मेरे दिमाग में नहीं थी ये सारी चीज़ें कि मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताऊंगा। अब मैं निकला, एकदम से मेरे को कंटेंट हिट किया कि यार लोगों के पास कंटेंट नहीं होता, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो कंटेंट लाए कहाँ से। अब देखो मैं घर से निकला, मुझे इजीली कंटेंट मिल गया, पर मिल जाता है भाई, आप इस बात को यकीन रखो। जब तक आप एक कमरे में रहोगे ना और आप फ़ोन स्क्रॉल करते रहोगे, टाइमलाइन देखते रहोगे, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहोगे, तब तक आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, नए लोगों से मिलना पड़ेगा, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखो कितना बढ़िया आ रहा है ना, क्योंकि मैं सूरज के सामने व्लॉग कर रहा हूँ। लाइक अगर उधर से रोशनी आ रही है ना तो मैं इधर के अपोजिट उसके सामने ही व्लॉग कर रहा हूँ, तो मेरे क्लियरिटी जो है और ज़्यादा विजिबल हो पा रही है। अब मैं उधर की समय करता ना मतलब इसके अपोजिट जाता, उधर की तरफ पीछे की तरफ व्लॉग करता, तो सूरज सामने स्क्रीन पर पड़ता तो कुछ भी मज़ा नहीं आता भाई व्लॉग करने में। तो ये सारी चीज़ें आप सब लोगों को ध्यान में रखनी है, कंटेंट मिलेगा भाई। जो लोग बोलते हैं ना मेरे पास कंटेंट नहीं है, कंटेंट नहीं है, भाई वो घर से बाहर निकले सब कंटेंट मिलेगा। आज से 1 साल पहले मैंने चैनल स्टार्ट करा था, मुझे नहीं पता था भाई
कि मैं अगला कंटेंट क्या डालूंगा। मैं घर से निकलता रहा लिटरली भाई, यकीन मानना मुझे कंटेंट मिलते रहे। तो आप भी बाहर निकल लिए, मैं भी आपकी तरह ही हूँ भाई। कोई बहुत बड़ा अंबानी की औलाद तो हूँ नहीं मैं। और एक चीज़ और भाई, मैं सबको बोलता हूँ कि सबसे पहले ना आप हेलमेट एक अच्छा सा लें, वो तो सारे खैर सेटअप वाले ब्लॉग में मैंने बता रखा है। एक हेलमेट अच्छा ले लेना जिससे आपकी भी सेफ्टी रहेगी और आपकी बाइक पे भी वो अच्छा लगेगा कि हाँ यार हेलमेट देखो कितना अच्छा ले रखा उसने। तो आपकी एक लुक भी इन्हेंस हो जाएगा, आपकी सेफ्टी भी फर्स्ट रहेगी, दूसरी चीज़ आपके मोटो व्लॉगिंग में भी आसानी होगी, क्योंकि वो जो अच्छे कैमरे होते हैं, अच्छे हेलमेट होते हैं ना, वो सेक कम करते हैं, तो आपकी जो स्टेबिलिटी है ना वो बहुत बरकरार रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, बार बार यूं नहीं हिलेगा आपका कैमरा और ना स्क्रीन में ऐसा कुछ शेक आएगा जैसे मेरी आप सब लोग देख सकते हो। और एक बढ़िया सा माइक ले लो, बस गोप्रो में फिट करा, अच्छे से हेलमेट में लगाया और अपने चल दिए व्लॉग करने, क्या ही दिक्कत है। अब ये जो पुलिस वाले मिलते हैं, आप सब लोगों को डर लगता होगा, पर जो मोटो व्लॉगर बन जाता ना उनके लिए कॉन्टेंट है। के लिए ये कंटेंट है मेरे भाई। यार ये गाड़ी ऐसी है ना, मज़ा आ जाता है। और एक चीज़ और लोग बोलते हैं भाई, मेरे पे स्प्लेंडर है, मेरे पे स्कूटी है। अरे मेरे भाई कुछ भी हो, A to Z कुछ भी।